आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। दिल में जोश, जुनून और जज्बा लिए भारत के लोगों को जगाने का जतन एक युवा कर रहा है। कोरोना महामारी के 2 वर्ष बीत जाने के बाद देश में आई रक्त की कमी को देखते हुए डोनेट ब्लड डोनेट लाइफ का संदेश देते हुए लोगों के लिए प्रेरणा बनकर कन्याकुमारी से कश्मीर की 3600 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के लिए हैं। 69 दिन हो चुके हैं, प्रतिदिन 30 से 40 किलोमीटर पैदल यात्रा तय कर रहे हैं। साथ ही जन जन को रक्तदान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं ताकि देश में रक्त की कमी ना हो। पैदल यात्रा करने के दौरान गुरुवार की रात्रि में के समय मेलविन थॉमस नगर पहुंचे, जहां लाल बहादुर शास्त्री रक्तदान समिति के द्वारा श्री थॉमस का पुष्पमाला से स्वागत किया गया एवं रक्तवीरों से ज़्यादा रक्त करने के लिए प्रेरित किया गया ताकि देश में रक्त की कमी ना हो। इस दौरान मयूर गोस्वामी, अजय गोस्वामी, शैलेंद्र महाजन, पंकज गुप्ता, मोनू जायसवाल सहित नगर के युवा मौजूद थे। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए बड़वानी से जिला ब्यूरो सुरेंद्र मा की खास रिपोर्ट। सर क्या नाम है आपका? What is your name, sir? What is your name? I will tell my where I am coming from and all things I will tell to end. Okay? Okay. आप यहाँ पर आए हैं वो उनके हिसाब से बोलिए, किस उद्देश्य से आए हैं? Hi, my name is Melvin Thomas and I am coming from Kerala. And I'm traveling from Kanyakumari to Kashmir by walk, and I had this thought that it should be for a good cause, and donate blood, save life is my motto. And after COVID and vaccination, the number of donors have been reduced to a very small number, so I thought I should make some awareness about it and in a different way. And I got this message with me, and I request everyone to donate blood. Those who donate blood are superheroes, so if you want to become a superhero, please just donate blood. So I request everyone to donate blood. Thank you. पद यात्रा करके आज नगर ठिकरी में आए हैं मेलविन जी, क्या कहेंगे? मेलविन थॉमस जी जैसे कि कन्याकुमारी के रहने वाले हैं और प्रतिदिन 40 से 50 किलोमीटर वो रक्तदान को जन जन तक पहुंचाने के लिए कि रक्तदान महादान है, इस विषय में वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा लेकर निकले हैं। 3600 किलोमीटर का सफ़र इनको तय करना है। आज हमारे नगर ठिकरी को के लिए गौरव की बात है कि ये यहाँ से निकल रहे थे, हम लोगों ने इनका स्वागत किया है और आगे लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करने के लिए ये लगातार 3600 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे।